मैं माताओं बहनों के लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूं। कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स के रूप में बेचे जाते हैं, गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं, और उनके कुछ अलग अलग नाम है, नॉरप्लेंट है, डिपो प्रोवेरा है, फिर आई पिल है, फिर ई पिल है, ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेचे जाते हैं। और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भर से आंकड़े निकाले तो मुझे इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि जिन देशों की ये कंपनियां हैं उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते, भारत में लाकर वो बेच रहे। जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो प्रवेरा नाम का एक वो बेचा जाता है, एक तकनीक है जो इन्होंने बनाई है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, गर्भ निरोधन के लिए। वो अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है अपजॉन। ये कंपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है कि वो डिपो प्रवेरा को अमेरिका में नहीं बेच सकते, तो उन्होंने नहीं बेचा और डिपो प्रवेरा का उत्पादन करके वो भारत में ले आए, भारत सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, अब यहां धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ये इंजेक्शन माताओं बहनों को लगा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, ये माताओं बहनों को ज्यादातर महावारी का जो चक्र है, मासिक चक्र है, वो पूरा बिगाड़ देता है ये डिपो प्रवेरा, और अंत में उनके गर्भाशय में कैंसर कर देता है और उन माताओं बहनों की मौत हो जाती है। कई बार माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपो प्रवेरा का, बताया नहीं उनको और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए। बिना बताए हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवा का किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पता नहीं कितने लाख, कितनी करोड़ माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत हो रही है। इसी तरह से हमारे देश में एक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है, स्टीरॉइड के रूप में ये माताओं को दिया जाता है, कभी क्या इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं, कभी गोलियों के रूप में दे देते हैं, और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्भपात हो जाते और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है और माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेट इन दिया जाता है। इसी तरह से RU-496 नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है, फिर रूसेल नाम की एक है, यूक्लेफ नाम की एक है, फिर एक नॉर प्लांट है, फिर एक प्रजनन रोधक टीका उन्होंने बनाया है, सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस की चीजें माताओं बहनों को दी जाती हैं, यूट्रस की, गर्भाशय की मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं, पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। अक्सर माताएं बहनें मासिक समय में बेहोश हो जाती हैं, इतना दर्द होता है उनके शरीर में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया उसके कारण ये हो रहा है। और हजारों करोड़ रुपए की लूटमार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों को बेचकर। फिर और एक जानकारी देना चाहता हूं, हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने कंडोम का बड़ा व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में प्रचार होना चाहिए, उसके लिए एड्स का बहाना लिया है और एड्स का बहाना लेकर टीवी पर, अखबारों में, सिनेमा में, पत्रिकाओं में, हर जगह वो विज्ञापन दे दे के एक ही चीज समझा रहे हैं, आप कुछ भी करो कंडोम का इस्तेमाल करो। ये नहीं बताते हैं कि अपने ऊपर संयम रखो, ये नहीं बताते हैं कि संयम से जीवन बिताओ, ये नहीं बताते हैं कि अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी निभाओ, वो कहते हैं कुछ भी करो कंडोम का इस्तेमाल करो। इसका दुष्परिणाम पता है क्या हुआ है, मात्र 15 साल में इस देश में 100 करोड़ कंडोम हर साल बिकने लगे हैं। 15 साल पहले बिकने वाले कंडोम की संख्या हजारों में भी नहीं थी, अब 100 करोड़ कंडोम हर साल बिक रहे हैं और अंधाधुंध विदेशी कंपनियां इस धंधे में उतर पड़ी हैं। करीब इस 20 बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, अमेरिका की, कुछ जापान की, कुछ मलेशिया की, फ्रांस की, वो इस देश में इसी धंधे में उतरी हुई हैं। और उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट है कि 100 करोड़ कंडोम एक साल में नहीं, एक दिन में बिकने चाहिए, ये उनका लक्ष्य है।
और उसके लिए रात दिन वो हिंदुस्तानी नौजवानों को, नवयुवतियों को बहलाकर, फुसलाकर, गलत रास्ते पर ले जाकर ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां ये अपसंस्कृति हमारे देश में फैले और हमारा सदाचार खत्म हो, हमारी नैतिकता कमजोर पड़े, हमारा आत्मसंयम कमजोर पड़े और हम इनके कंडोम के ग्राहक बन जाएं, उपभोक्ता बन जाएं। बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का ये व्यापार चल रहा है।